गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन ट्यूशन, योर ट्यूशन। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से एक सवाल पूछा जाए। सवाल नहीं है, लेकिन क्या आपने वो मूवी देखी है? कौन सी मूवी? थ्री इडियट्स। हाँ, क्या वो मूवी देखी है आपने? उसमें हमें ये दिखाया गया कि रणछोड़ दास छांछट, ये जब छोटे बच्चे थे तभी से ही यूज़ टू गो इन डिफरेंट क्लासरूम्स एंड अपने एज के डबल बच्चों के सारे जो सम्स होते थे वो सॉल्व करते थे। चलिए वो छोड़ दीजिए। व्हाइट हैट जूनियर वाला बच्चा देखा है आपने, जिसने 6 साल की उम्र में कोडिंग सीख ली और जिसको बहुत सारी कंपनीज हायर करना चाहती हैं। तभी सोचा है कि ये बच्चे कहाँ से आते हैं। चलिए कहाँ से आते हैं तो जाने दीजिए, वो बात की बात है। लेकिन अभी के लिए ये बताइए कि क्या आप जानते हैं कि ऐसे बच्चे को हम क्या बोलते हैं? तो इन बच्चों को द चिल्ड्रन हु हैव गॉट अनएक्सेप्शनल टैलेंट्स और एक्सेप्शनल क्वालिटीज उनके अंदर, तो ऐसे बच्चों को हम क्या बुलाते हैं? आज का जो नया वर्ड है वो भी यही है। तो वो वर्ड है प्रोडिजी। द स्पेलिंग इज PRODIGY। वो बच्चे जिनके पास एक्सेप्शनल क्वालिटीज होती है या बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं उन्हें हम प्रोडिजी बुलाते हैं। अब प्रोडिजी का के लिए सेंटेंस क्या बोल सकते हैं? दैट एट द एज ऑफ 13 द प्रोडिजी टुक ग्रेजुएशन कोर्सेज। मतलब 13 साल की उम्र में ही वो बच्चे ने क्या किया? ग्रेजुएशन कोर्सेज लेना शुरू कर दिया। सो मेरा सेंटेंस था दैट द एज ऑफ 13 द प्रोडिजी स्टार्टेड टेकिंग ऑनलाइन और कॉलेज कोर्सेज। आपका सेंटेंस क्या होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लेते हैं। पहले सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? गिफ्टेड पर्सन, अ गिफ्टेड चाइल्ड, बिकॉज समवन एट द एज एट अ वेरी स्मॉलर एज अगर किसी ने इतना ज़्यादा करने की जिसके अंदर एबिलिटी है वो ऑब्वियसली गिफ्टेड ही होगा। तो गिफ्टेड पर्सन तो एक है। जीनियस कैन ऑल्सो बी दी अदर सिनोनिम, राइट? विजार्ड आजकल हम बहुत सुनते हैं, ही इज़ अ कंप्यूटर विजार्ड, ही इज़ अ चेस विजार्ड, ये सब चीज़ें हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो एक तो सिनोनिम वो भी हो सकता है। और फिर मास्टरमाइंड, बिग बॉस जो लोग देखते हैं विकास गुप्ता को मास्टरमाइंड बोला जाता है, पर ऐसे बच्चों को भी मास्टरमाइंड ही बोला जाता है। तो क्या क्या? गिफ्टेड पर्सन सुन लिया हमने, जीनियस बता दिया, विजार्ड बता दिया और मास्टरमाइंड बता दिया। वंडर किड इज ऑल्सो वन ऑफ द सिनोनिम्स ऑफ प्रोडिजी। वही देख लेते हैं एंटोनिम्स फॉर प्रोडिजी। एंटोनिम्स हो सकते हैं पहली बात तो इम्बेसिल, IMBECILE, दिस इज अ न्यू वर्ड, जिसका मतलब होता है समवन हु इज नॉट दैट स्मार्ट, समवन हु इज नॉट दैट इंटेलिजेंट। मतलब एक एवरेज बच्चा या फिर बिलो एवरेज बच्चे को हम इम्बेसिल बोल सकते हैं। सेकेंड एंटोनिम कैन बी ब्लॉकहेड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंटोनिम कैन बी अ वेरी रेगुलर वर्ड विच इज रेगुलरिटी एंड नॉर्मैलिटी। मतलब एक तरह से वो बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा जीनियस हैं और एक वो बच्चे होते हैं जो रेगुलर हैं, नॉर्मल हैं, तो उनको भी हम एंटोनिम्स एज एन एंटोनिम्स कंसिडर कर सकते हैं। तो हमने 4 एंटोनिम्स देखे। पहला तो था इम्बेसिल, IMBECILE, एंड द सेकेंड वन वॉज ब्लॉकहेड, थर्ड वन वॉज रेगुलर एंड नॉर्मल। नॉर्मैलिटी और रेगुलरिटी कैन ऑल्सो बी यूज एज अ एंटोनिम। सो थैंक यू फॉर दिस वन। Make sure you all are watching and do not forget to mention your sentence in the comment section and do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much. Happy learning.